मुलायम के जिगरी दोस्त ने तोड़ा दम, जिससे मुलायम का था 82 साल का नाता। प्रकृति ने उसे सिर्फ मुलायम के लिए था बनाया, मुलायम नहीं रहे तो वो भी चल दिए। जिस दिन धरती पुत्र का हुआ अंतिम संस्कार, उसी दिन उसने भी अपनी जिंदगी को कह दिया अलविदा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद, अलविदा कहने के बाद, इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाने के बाद, पूरी तरह से खुद को ब्रह्म में विलीन करने के बाद, सियासत रो रही थी, पूरा मुलायम परिवार रो रहा था, नेता रो रहे थे, समर्थक रो रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, यूपी रो रहा था, सैफई रो रहा था, लेकिन एक और था जो दिल से रोया, खूब रोया, जी भर कर रोया। किसी ने उसके आंसुओं को नहीं देखा, लेकिन वो रो रहा था, खूब रो रहा था, जी भर कर रो रहा था, आत्मा से रो रहा था। उसकी रुदाली की तीक्ष्णता इतनी तेज थी कि उस दिन वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सब सोचते रह गए, हैरान होकर रह गए, बस जुबा पर इतनी बात थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ। उन्हीं सवालों के बीच, सबके बीच ये बात सत्यता के साथ फैल गई। वो तो मुलायम का अपना था, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से दूरी उसे कबूल नहीं थी, इसलिए मुलायम के लिए उसने अपना रास्ता तैयार कर लिया और चल दिया। वो निकलने के लिए तैयार था, लेकिन इंतजार किया बस सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के आने का। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह 8:16 पर दुनिया को अलविदा कह गए। उसके अगले दिन 11 अक्टूबर मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सियासत के तमाम दिग्गज नेता, सपा समर्थक सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस बीच, इन सब के बीच दशकों से वही टिके, जमे, अपनी धुन में रमे एक कोई था जो मुलायम सिंह यादव के दुनिया से विदा होने का गम नहीं झेल पाया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सैफई में सबको मालूम है कि वो मुलायम का बेहद ही खास दोस्त था, बचपन का साथी था, जिसके साथ अखिलेश के पिता ने अपनी जिंदगी के अहम हिस्से को जिया। प्रकृति का वो अनमोल तोहफा था जिसे प्रकृति ने मुलायम के लिए बनाया था, जिसने मुलायम को अपनी शीतलता के छांव से कड़कड़ाती धूप में ठंडक प्रदान की, जिसने मुलायम के सुख दुख में साथ दिया, जो गवाह बना मुलायम के फर्श से अर्श तक पहुंचने का। उसने अपनी आंखों से देखा था मुलायम कैसे एक आम आदमी से धरती पुत्र बने और उसी आम आदमी के लिए मिसाल बन गए, ऊंचाइयों तक जाने की प्रेरणा की पूरी किताब बन गए। वो गवाह था मुलायम की जिंदगी में घटित पूरी घटनाओं का। लेकिन अब जबकि मुलायम खुद चले गए, तो उसने शायद सोचा होगा, अब मैं किसके लिए रहूं? धरती पुत्र तो चला गया, अब हमें भी चलना चाहिए। यहाँ दोस्त नहीं है, दोस्त अब कहीं किसी और दुनिया में लीन है, ब्रह्म में लीन हो चुका है। मुलायम के उस दोस्त का नाम भी ब्रह्मदेव था, जैसा नाम था उसका, जब तक जिया नाम की तरह ही रहा। और जब उसने चाहा कि अब इस दुनिया में नहीं रहना है, दोस्त नहीं है, तो अब निकलना होगा, तो वो भी निकल पड़े अनंत यात्रा पर। शायद ये मानकर कि अनंत यात्रा के किसी पॉइंट पर मुलायम से उसकी मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, तब ब्रह्मदेव मुलायम से कहें, भाई निकलना ही अगर था तो मुझे भी बता देते, मैं आपके साथ निकल लेता। चलिए अब आपको बताते हैं मुलायम का दोस्त ब्रह्मदेव कौन है। ये एक पीपल का पेड़ है जो सालों से सैफई में लगा है, जो मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे खास रहा है। लेकिन जब नेताजी का पार्थिव शरीर पैतृक जन्मभूमि सैफई के महोत्सव पंडाल लाया गया, तब सैफई में सालों से लगा नेताजी का परम प्रिय ब्रह्मदेव का पेड़ बिना आंधी तूफान के ही धराशायी हो गया, जबकि एक दूसरा पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। ये पेड़ मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ था, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बचपन का साथी बना रहा है। लेकिन 11 अक्टूबर को जब नेताजी का अंतिम संस्कार होने को था, उसी वक्त ये पेड़ धराशायी हो गया। इस पीपल का पेड़ का धराशायी होना कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा रहा है कि ये पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव नेताजी के जाने का गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी चला गया।